कोयम्बटूर। कोयम्बटूर न केवल इस शहर के सौंदर्य से भरपूर है बल्कि इनके पीछे छुपी हर जगह की रोचक दास्तानें भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सैर कोयम्बटूर के इन 10 दिलचस्प जगहों की ओर। हमारी सैर की शुरुआत होती है ध्यानलिंगा मंदिर की ओर से। ध्यानलिंगा मंदिर कोयम्बटूर का एक आध्यात्मिक स्थल है जहाँ आत्मा को मिलने का मार्ग प्रशिक्षित होता है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग को ध्यान में बैठे हुए देखकर शांति और संयम का अनुभव होता है। मंदिर का वातावरण ध्यान और मेडिटेशन के लिए अनुकूल है जिससे यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बन गया है। मंदिर का एक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण टूरिस्टों को अपने आत्मा के साथ संबंध महसूस करने का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। दूसरे स्थान पर है आदि योगी शिव। आदि योगी शिव हिंदू धर्म के महादेव शिव का सर्वोत्तम रूप, एक आध्यात्मिक गुरु और योगी है। उन्हें भारतीय योग और ध्यान के पितामह के रूप में भी माना जाता है। आदि योगी शिव की मूर्ति कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है जो ईशा योग केंद्र में है। साथ में अनगिनत शिष्यों का योग और आध्यात्मिकता की शिक्षा यहाँ पर मिलती है। उनके शांत और आध्यात्मिक स्वरूप ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है जिन्होंने योग का मार्ग अपनाया है। तीसरे स्थान पर है मरुदमलाई मंदिर। मरुदमलाई मंदिर कोयम्बटूर में स्थित भगवान कार्तिकेय को समर्पित एक मंदिर है। इसका स्थान आरामगिरी पहाड़ियों पर स्थित है जिसे सुरम्य वन्य प्रदर्शन और शांति के साथ घिरा हुआ है। मंदिर का निर्माण पहले हुआ था, फिर 12वीं सदी में उसे पुनर्निर्मित किया गया। यहाँ पर एक उच्च स्थिति पर बैठे हुए देवता की मूर्ति है और यहाँ प्रतिवर्ष ताई पूसम उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चौथे नंबर पर है सिरुवनी फॉल्स एंड डैम। सिरुवनी फॉल्स एंड डैम भारत के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सिरुवनी झरना जिसे कोवाई कुट्टा भी कहा जाता है अपने पानी की शुद्धता के लिए काफी जाना जाता है। इसके साथ ही सिरुवनी बांध एक महत्वपूर्ण जल संग्रहण स्थल है जिसे कोयम्बटूर को पानी प्रदान किया जाता है। एक आकर्षक स्थल है जहां प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद देने के लिए लोग यहां पर विजिट करते हैं। पांचवें स्थान पर है मंकी फॉल। मंकी फॉल कोयम्बटूर में स्थित एक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है। इन फॉल को वन्यजनों और शुगरकेन क्षेत्र से चलने वाली नदी से फिराया जाता है। यहाँ की प्राकृतिक हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण आपको मनोहर कर देता है। यहाँ आकर आप नीले पानी की धूप से नहाकर और अपने आत्मा को फ्रेश कर सकते हैं। मंकी फॉल का दौरा करने से आप नजदीकी प्राकृतिक सौंदर्य और उच्चतम तापमान का आनंद ले सकते हैं। छठे स्थान पर है वेलिंगिरी हिल्स। वेलिंगिरी हिल्स कोयम्बटूर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह पहाड़ गौरीशंकर पर्वत के रूप में भी जाना जाता है और इसे विशेष रूप से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो यात्री और पर्वत श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वेलिंगिरी की ऊंचाई, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक माहौल ने इसे एक आध्यात्मिक स्थल बना दिया है। सातवें स्थान पर है मरुदमलाई हिल टेम्पल। मरुदमलाई हिल टेम्पल कोयम्बटूर में स्थित है जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। यहाँ माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय की मूर्ति स्थित है और इसका नाम स्थलीय पहाड़ी मरुदमलाई से आता है। मंदिर एक शांत और धार्मिक वातावरण में सुसज्जित है और पूरे क्षेत्र को सुंदर दृश्य प्रदान करता है। यहाँ के प्राचीन स्थल, उच्च स्थान और आत्मतम विकास के लिए विशेष रूप से मशहूर है। आठवें स्थान पर है कोडिवेरी डैम। कोडिवेरी डैम जो कोयम्बटूर में स्थित है एक रोमांटिक और प्राकृतिक स्थल है। यहाँ का डैम प्रशांत कोडिवेरी नदी पर बना है और इसके सुरम्यता और हरित वातावरण से यह एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। बांध के आसपास के इलाके में हरियाली, पेड़ पौधे और चिरपिंग पक्षियों को आप देख पाओगे। यहाँ आने वाले लोग शांति और सुकून का आनंद लेते हैं और इसे एक लोकप्रिय घूमने का स्थान बना चुके हैं। नौवें स्थान पर है एचानरी विनायकर मंदिर। एचानरी विनायकर मंदिर कोयम्बटूर में स्थित एक अद्वितीय हिंदू मंदिर है। यहाँ का नाम एचनारी गांव के आसपास स्थित है और मंदिर में भगवान विनायकर की मूर्ति है जो समृद्धि और सुख का प्रतीक है। मंदिर की शैली और भगवान की मूर्ति की पूजा इसे प्रमुख धरोहर मंदिरों में से एक बनाती है। यहाँ पर आने से भक्तों को शांति और आनंद का अनुभव होता है। दसवें स्थान पर है कोवाई कुत्रालम वाटरफॉल। कोवाई कुत्रालम वाटरफॉल कोयम्बटूर में स्थित
एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है। ये वाटरफॉल अपनी ऊर्जा भरी गिरावट के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ के चरम ठंडक से लोग आकर्षित होते हैं। यहाँ गहरे वन जीवन और हरित वातावरण का आनंद लेने का अवसर मिलता है। कोवई कुत्रालम एक आकर्षक पिकनिक स्थल है जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से भरा माहौल प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे कोयम्बटूर के 10 सबसे खूबसूरत जगहें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।